मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 4.4 के प्रश्न नंबर 1 के 3 भाग को आज इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। इसके अंदर हमें पूछ रखा है कि क्या दिए गए समीकरणों के मूलों की प्रवृत्ति क्या है। दिए गए समीकरणों के मूलों की प्रवृत्ति क्या है। अब मूलों की प्रवृत्ति हमारे पास वास्तविक होगी या वास्तविक नहीं होगी, ठीक है, वो ज्ञात करनी है, या फिर वास्तविक होने के बाद उनके मूल समान होंगे या असमान होंगे, वो निर्भर करता है डी के ऊपर, विविध कर के ऊपर। यदि विविध कर 0 से बड़ा है तो वास्तविक मूल होंगे और असमान होंगे, अलग अलग दो होंगे। यदि डी 0 के बराबर है तो वास्तविक मूल होंगे और दोनों समान होंगे, और यदि डी 0 से छोटा है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। आइए करके देखते हैं। हम पहले इसका डी निकालते हैं। डी क्या हमारे पास होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारे पास नेगेटिव 3 का स्क्वायर बटा 4 गुणा ए कितना है हमारे पास 2, और बी कितना है 5। यहां से 4 गुणे 8, 8 पंजे 40, 40 पाएंगे नेगेटिव 31 आ गया, और नेगेटिव 31 क्या है, 0 से छोटा है। तो हमारे पास जो डी है वो 0 से छोटा आया है तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, इसमें हम डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर नेगेटिव 4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर नेगेटिव 4, ए कितना है 3 और सी भी है 4, 4 का वर्ग 16 है, वर्गमूल 3 का वर्ग 3, 16 थी 48, नेगेटिव 4 थी 12, 12 चौक 48, 48 में से 48 किया 0, जो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यदि d 0 के बराबर है तो इसके वास्तविक मूल होंगे और दोनों मूल क्या होंगे, वो समान होंगे। तो मूल हम निकालेंगे x बराबर नेगेटिव d प्लस और माइनस वर्गमूल d बटे 2 a से। यहां से निकालें नेगेटिव b नेगेटिव नेगेटिव 4 वर्गमूल 3 और प्लस और माइनस 0 बटे 2 गुणा a हमारे पास कितना है 3 है। तो यहां से मान निकालेंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 4 वर्गमूल 3 और नीचे हमारे पास क्या है 2 गुणा 3, ठीक है ना, प्लस में 0 है उसको तो छोड़ देंगे हम, 2 एक 2, 2 दो 4, तो हमारे पास इसके मूल क्या आ गए 2 बटे वर्गमूल 3 और 2 बटे वर्गमूल 3, ठीक है। ये मूल कैसे आए हैं, देखो 2 तो हमारे पास ऊपर है ही, 3 ये वर्गमूल 3 है, ये 3 है, 3 को मैं लिख सकता हूँ वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, एक वर्गमूल 3 से एक वर्गमूल 3 कट जाएगा, नीचे वर्गमूल 3 बचेगा, तो 2 बटे वर्गमूल 3 और 2 बटे वर्गमूल 3, 2 है ना, एक बार 0 जोड़ना है एक बार 0 घटाना है, तो ये 2 बनेंगे, ठीक है। अब तीसरे भाग का डी हम निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर नेगेटिव 6 स्क्वायर माइनस 4ac, आ गया 36, नेगेटिव 4 दो 8, 8 3 24, 12 आ गया, जो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इसके भी दो वास्तविक मूल होंगे और दोनों असमान होंगे अर्थात अलग अलग होंगे। यहाँ से x का मान नेगेटिव b प्लस और माइनस वर्गमूल d बटे 2 a हम निकालेंगे, नेगेटिव नेगेटिव b है 6, ठीक है, प्लस और माइनस d हमारे पास कितना आया है वर्गमूल 12 है बटे सारे के 2 गुणा 2, a हमारे पास 2 है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6 प्लस और माइनस ये 4 थी ये 12 हो गए, 4 गुणा 3, इस 4 का 1 तो बाहर आ गया वर्गमूल से और वर्गमूल 3 अंदर बच गया, यहाँ पे 2 गुणी 4, अब ऊपर वाले दोनों में से 2 को मना जाएगा, अंदर बचेगा 3 जमा और घटा वर्गमूल 3 और बटे 4, 2 एक 2, 2 गुणी 4, तो हमारे पास इसके दो मूल बचे हैं 3 जमा वर्गमूल 3 बटे 2 और दूसरा 3 घटा वर्गमूल 3 घटा बटे 2, तो दो मूल हमारे इस तीसरे भाग के आ गए हैं, ठीक है। तो आशा है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी तरह के और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।